पहले दिल्ली को अभेद किले में तब्दील कर दिया गया है। एनएसजी जवानों के अलावा वीआईपी लोगों की सुरक्षा में दिल्ली पुलिस के जवान लगे हुए हैं। जमीन से लेकर आसमान तक कड़ा पहरा है। 1000 कमांडोज को तैनात किया गया है और दिल्ली पुलिस के 50,000 जवानों के कंधों पर सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी है। अमेरिका की CIA, ब्रिटेन की MI6 और चीन की MSS की टीमें दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। दिल्ली के जिन होटल में G20 सदस्य देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री रुकेंगे, उन होटल की सुरक्षा के साथ साथ कार्यक्रम स्थल की ओर जाने वाले सभी रास्तों की जानकारियां भी इन देशों की सुरक्षा एजेंसियों के साथ शेयर की गई हैं। G20 समिट को देखते हुए NSG की एक दर्जन से ज्यादा टीमों को G20 वेन्यू पर तैनात किया गया है। साथ ही होटल के बाहर दिल्ली पुलिस की 7 टीमों को तैनात कर दिया गया है। अर्धसैनिक बलों की क्विक रिएक्शन टीम को भी दिल्ली में उतार दिया गया है। इतना ही नहीं, आसमान से भी दिल्ली पर नजर रखी जाएगी। इसके लिए एयरफोर्स और भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर लगातार आसमान में चक्कर लगाएंगे। इन हेलीकॉप्टर में सेना और NSG के कमांडो हर वक्त मौजूद रहेंगे। दुश्मन ड्रोन के खतरे को देखते हुए कई जगहों पर एंटी ड्रोन सिस्टम को लगा दिया गया है। साथ ही दिल्ली की हाई राइज बिल्डिंगों पर NSG और सेना के स्नाइपर तैनात कर दिए गए हैं। G20 समिट को देखते हुए दिल्ली की किलेबंदी हो चुकी है। G20 को देखते हुए दिल्ली पुलिस को स्पेशल वर्दी दी गई है। पूरी दिल्ली में एंटी टेरर स्क्वाड को तैनात कर दिया गया है। तो विश्व पटल पर सफलता के लिए नया आयाम गढ़ता भारत देश की राजधानी दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। 9 और 10 सितंबर को होने वाले G20 सम्मेलन की तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए दिल्ली पूरी तरीके से सज धज कर तैयार है। और इस बीच G20 की तैयारियों का जायजा लेने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचे। उन्होंने ITPO कॉम्प्लेक्स में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर की तैयारियों का निरीक्षण भी किया। मैं कुछ कहूं शायद वो अलग होगा, लेकिन जितना मैंने बाकी देशों के लोगों से अब तक सुना है, उन्होंने कहा हमने किसी देश में ऐसा नहीं देखा था कि इतने सेंटर्स पे मीटिंग होते हो, इतने वेन्यूज हो और इतनी भव्यता जो यहाँ पर देखने को आपको मिलती है। इंटरनेशनल मीडिया सेंटर हो, भारत मंडपम में 7,000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। ये सिडनी के ओपरा हाउस से भी बड़ा हॉल हमारे पास अब है भारत में। ये नए भारत की बुलंद तस्वीर है जो यहाँ पर दिखती है, और यही एक प्रभाव कहीं ना कहीं दुनिया भर के देश के लोगों पर जाता है कि जिस देश में आए हैं वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, किन क्षेत्र में वो अच्छा करते हैं। और भारत दुनिया के देशों में एक ऐसा देश है जहाँ पे रिच आर्ट कल्चर ट्रेडिशन, यानी कि कला संस्कृति परंपराएं हमारी वो तो है ही, जो दुनिया को कोई और देश हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन नई टेक्नोलॉजी, नई सुविधाएं, वो भी हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की दी हैं। ये अपने आप में बहुत कुछ है।
दिल्ली के चाणक्यपुरी की वेस्टवार्ड पार्क में भी G20 में शामिल होने वाले देशों की झलक देखने को मिलेगी। पार्क में सरिया और ऑटोमोबाइल स्क्रैप से G20 सदस्य देशों के जानवरों और पक्षियों की 22 कलाकृतियां बनाई गई।